दोस्तों आज बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की, जैसे कि चीन पर आप देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, वो उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हाउस क्रिएट किया है मैंने। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा डिजाइन उनके लिए मैंने क्रिएट किया है। फ्रंट के ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, फ्रंट का बारंदा जो पोर्च टाइप का दिख रहा है ये आप देख सकते हैं, साथ साथ विंडो का डिजाइन भी मैंने साइड से दिया है। हालांकि उनको लेफ्ट और राइट दोनों साइड घर बने हुए हैं, मैंने इस वॉल को हाफ रखा है, तो अगर आप इसको पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इनके चारों तरफ से ज्यादा घर ही बना, पीछे इनका ओपन एरिया है, तो पीछे से मैंने एक डोर दिया है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे बाहर की तरफ। और इधर एक बेडरूम है, तो उसमें मैंने विंडो भी दे रखा है वेंटिलेशन के लिए। इस साइड इनका घर है, किसी और का घर बना हुआ है, तो यही पूरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करते हुए इस हाउस को क्रिएट किया गया है। इस हाउस का अगर हम आपको एरिया की बात करें तो 25x40 25x40 फीट में मकान पूरा बना हुआ है, जो उनकी रिक्वायर्ड मॉडल था। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो बने शुरू हम लगातार, मैं हूं झांगड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों स्मार्ट हाउस प्लान पर आपको लगातार न्यू न्यू मॉडल्स मिलते रहते और आपको नया नया लुक भी मिलता रहता, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर में मैक्सिमम जूम करता हूं तो इसमें सबसे पहले आपको एक इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर आपको एक पिलर मिलता है, उसी को पिलर को बनाते हुए बारंदा को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक बेडरूम है, इसलिए मैंने बाहर से एक विंडो दे दिया है जो कि राउंड शेप में है। स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मैंने कुछ ग्रिल का इस्तेमाल कर दिया। अगर आप चाहते हैं पूरे बारंदे को तो पूरा भी रख सकते हैं, तो ये ग्रिल आप हटा भी सकते हैं। इसका जैसा ऊपर जाते हैं तो बारंदा पूरा आपका देखने को मिलता है। मैं इसे टॉप से मतलब ऊपर से दिखाता हूँ तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो ये देख सकते हैं टॉप से आपको बारंदा में आती है, आपको ये पहले गेस्ट रूम मिलता है जिसके लिए मैंने डोर दिया, एंट्री करेंगे आप गेस्ट रूम में। और इसी गेस्ट रूम से एक डोर और दिया जिससे आप अंदर भी जा सकते हैं, या मेन डोर आपका ये जहां से अंदर जाएंगे। मेन डोर से आप एंट्री करते हैं आप पहुंच जाते हैं अपने हॉल में, ये आपका बड़ा सा हॉल है। इसके बाद इधर से आपकी स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट होती है, टर्न होता है और फिर से बाहर की तरफ आप अंदर की तरफ आ जाते हैं। उसी के नीचे लेट बाथ मैंने क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में ये आपका किचन एरिया बना हुआ है और ये आपका इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम जिसको मैंने पीछे से विंडो दिया था उस बेडरूम के लिए कॉर्नर पर। ये इनकी यहाँ पर एक गैलरी गई है जिससे ये पीछे जाएंगे और इसके बगल में ये आपका एक बेडरूम बना हुआ है। अब बात करते हैं इस हॉल के साइज वगैरह की, वो सब उन्हें हम दे देंगे, जो भी उनके हॉल का साइज है, बेडरूम का साइज वगैरह सारा डिटेल उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप मैक्सिमम मैं जूम कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो बीम का डिजाइन है ये इस टाइप का बना हुआ है। अब अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कोई दूसरा भी बनवा सकते हैं, हालांकि बेस्ट प्लान यहाँ पर मैंने इनको दिया है। तो आप देख सकते हैं सारे डोर्स वगैरह का जो भी डिजाइन है और तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्रंट और ऊपर से मैं आपको चीज दिखा देता हूँ टॉप व्यू, जिससे आपको बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम ना मिले। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर के। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, जो स्टेयर्स बनाई है ना सीढ़ी, उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है। और यहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर मैंने ये वाला जो विंडो है ना, ये वाला सेम टू सेम विंडो यहाँ भी कॉपी कर दिया। और अगर आपका डोर है इससे आप अंदर आ पाएंगे। और इसके बाद ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, टोटल 25 फीट जगह है दोस्तों, ठीक है। 25 में 2 फीट का इधर से मैंने सपोर्ट लिया है, 2 फीट का इधर से लिया, 3 फीट का इधर लिया है, तो 7 फीट ये निकल गया। 7 फीट के अलावा जो एरिया बचा आपका 25 फीट में, मतलब 18 फीट, उसमें ये ग्रिल बनी हुई, 9-9 फीट की ग्रिल आपकी दोनों तरफ लगी हुई है। और ये पूरा डिजाइन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये मॉडल पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल नहीं लगेगा, केवल आपकी चैट ही हो पाएगी, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारी पेड सर्विस का विशेष ध्यान रखें, आपको 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50% बाद में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।